अमूमन नेता वायदे कर भूल जाते हैं, लेकिन पीएचडी मंत्री ने जनता से जो कहा था उसे समय अवधि में ही पूरा कर जनता का दिल जीत लिया। बताते चले कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है, लेकिन नेपाल है कि मानता ही नहीं। इधर जमीनी हकीकत को देखते हुए मंत्री विनोद नारायण झा ने बाढ़ पीड़ितों की मांग पर फिलहाल 10 नाव की खेप अपने बेनीपट्टी अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों को आज दिया, जो मंत्री के दृढ़ संकल्प के चलते हो सका। मंत्री झा के साथ नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल, सीओ पल्लवी गुप्ता, बीडीओ मनोज कुमार, शशिभूषण सिंह, एएम के कर्ण समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मंत्री झा के कामकाज को सराहा। इस बार के बाढ़ में इसकी जानकारी मिली कि नाव की काफी कमी हो गई है। जिलाधिकारी महोदय ने जुलाई में हम लोगों से बातें की और कहा कि जल्द से जल्द नाव की जरूरत है। हमने कहा हम लिखेंगे अभी 20-21 के फंड में, तो 6 महीना लग जाएगा आने में। कहा आप लिख तो दीजिए, 15 दिन में आ जाए। और हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, अनुमंडल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन सब लोगों ने मिल के 15-20 दिन के अंदर में उन्होंने 10 नाव का निर्माण कर लिया है और ये आ गया है आज हमारे साथ नए अनुमंडल। सुधीर झा, अनुमंडल संवाददाता, SDF न्यूज, बेनीपट्टी।